देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा फेज चल रहा है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। Also, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन से पहले छोटी से छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। We have been working day and night to formulate guidelines, to work out the minutest possible details, and also to ensure that every detail is conveyed to the people at the grassroots level. बता दें, ड्राई रन की लिस्ट में शामिल लोगों को डमी वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए जरूरी इंतजामों का रिव्यू किया जा रहा है। ड्राई रन कैसे हो रहा है अब वो समझिए। हर सेंटर पर 3 कमरे बनाए गए हैं। पहला कमरा वेटिंग के लिए, इसमें हेल्थ वर्कर की पूरी जानकारी का मिलान करते हैं। दूसरे कमरे में वैक्सीन दी जा रही है। तीसरे कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले को 30 मिनट रखा जा रहा है ताकि उसे कोई परेशानी होने पर इलाज दिया जा सके। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।